हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम जनरल नॉलेज से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। तो देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ जो आपका पहला क्वेश्चन मेंशन है वो पूछा गया है कि दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी। ऑप्शन आपके पास दांडी, पोरबंदर, अहमदाबाद या साबरमती आश्रम। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है आपको कमेंट करके बताना है और ये भी बताना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी वो साबरमती आश्रम से की थी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सुप्रसिद्ध वाद INA मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता निम्न में से कौन थे। ऑप्शन आपके पास भूलाभाई देसाई, आसफ अली, सुभाष चंद्र बोस या सी राजगोपालचारी। तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो आपका फेमस मुकदमा INA था उससे जुड़े अधिवक्ता थे आपके भूलाभाई देसाई। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में फहराया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1920 में, नागपुर सत्र का वार्षिक अधिवेशन 1920 में या लाहौर अधिवेशन 1931 में या हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 में। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था उसमें सबसे पहले स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा फहराया गया था और किसने फहराया था, जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मातृ देवी की जो पूजा है वो किस सभ्यता से रिलेटेड थी। आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से या उत्तर वैदिक सभ्यता से। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मातृशक्ति में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे और मातृ देवी की पूजा भी करते थे। तो मातृ देवी की पूजा किससे रिलेटेड हो जाएगी आपकी, सिंधु घाटी सभ्यता से। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या बृहदत्त। तो राइट ऑप्शन बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो उपगुप्त थे वो एक बौद्ध संत थे और उन्हीं के प्रभाव में आकर अशोक ने क्या किया था, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और उसने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भी भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था। ऑप्शन आपके पास बौद्धों द्वारा, जैनियों द्वारा, हिंदुओं द्वारा या सिखों द्वारा। ये क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप क्वेश्चन से ही डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ कह रहा है दिलवाड़ा का जैन मंदिर है तो जैनियों द्वारा ही बनवाया गया होगा। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो जैनियों द्वारा निर्मित करवाया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है, यानी गीत गोविंद एक रचना है जिसके राइटर आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास जयदेव, कल्हड़, कालिदास या राजा राव। यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि गीत गोविंद के जो लेखक थे वो थे जयदेव। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी। ऑप्शन आपके पास बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ जो आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का ऐसा सुल्तान था जिसने एक भी पदवी ग्रहण नहीं की थी, यानी खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फोकस करते हैं। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है, बुध, मंगल, शुक्र या बृहस्पति। ये क्वेश्चन भी मैं पहले करा चुकी हूँ। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो शुक्र ग्रह है वो आकार में पृथ्वी के समान है और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भगिनी या पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और पृथ्वी के सबसे पास का नजदीक का जो ग्रह है वो भी शुक्र ग्रह ही है। तो एक क्वेश्चन से मैंने आपके तीन क्वेश्चन डिस्क्राइब कर दिए और तीनों ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन आपके पास मंगल, नेपच्यून, बुध या प्लूटो। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन है बुध। बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि वायुमंडली दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी वायुमंडली कंडीशन जो होती हैं कि वायुमंडल की क्या कंडीशन है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, एस्ट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी, सीस्मोलॉजी या एंट्रोनॉमी। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडली दशा के अध्ययन को कहते हैं मेट्रोलॉजी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस राज्य में अवस्थित है। यहाँ एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है, तो वहां आंसर हो जाएगा माजुली। लेकिन यहाँ आपसे स्थान पूछ रहा है कि जो सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली है वो किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, त्रिपुरा में या मिजोरम में। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ये जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली है वो असम में स्थित है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी मैं पहले आपको करा चुकी हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इस वजह से क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम में, तो आप क्वेश्चन सीरीज जरूर से जरूर देखिए। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपके पास कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोकर तट या उत्तरी सिरकार। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, कोकर तट के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं, साल, पीर, यूकेलिप्टस या टीक। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि यूकेलिप्टस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सही सुमेलित करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म सही है। इधर सहायक नदियां दी हुई हैं, इधर मुख्य नदियां दी हुई हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ जो यानी सही सुमेलित कौन सा है, तो यहाँ चंबल दिया हुआ है कि चंबल नर्मदा की सहायक नदी है, सोन यमुना की सहायक नदी है, मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो इसमें से ये दोनों ही गलत है। चंबल नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है, ना ही सोन यमुना नदी की सहायक नदी है, बल्कि मानस जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ तीसरा ऑप्शन सही है। तो देखते हैं इनमें कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के बिहाव पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है, यानी इनमें चार जो आपको दिए गए हैं, इन चार स्टेटमेंट में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है, यानी ऐसा कौन सा पॉइंट है जो भारत के निम्न यानी कम कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन आपके पास सहकारी कृषि, आवश्यक आधनों की उपलब्धता, भूमि के उपभोग और उसकी आधिकारिकता, कमजोर वित्त व्यवस्था और विपणन। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सहकारी कृषि भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी रिपीट आया हुआ है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों की सुरक्षा या ये सभी। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें से डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये सभी आपकी इम्पॉर्टेंट है, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान किस तिथि को पूर्णता बनकर तैयार हुआ। यहाँ तैयार की पूछ रहा है कि कब बनकर तैयार हुआ, ये नहीं पूछ रहा है कि कब बनकर लागू हुआ। ऑप्शन आपके पास 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949 या 30 नवंबर 1950। ये क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो हमारा संविधान है हमारे देश का, वो 26 नवंबर 1949 को पूर्णता बनकर तैयार हो गया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार क्या है, मूल संविधान के एक भाग के रूप में है,
चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, संसद द्वारा जोड़े गए हैं, या बाईसवीं संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं वो मूल संविधान के एक भाग के रूप में जोड़े गए हैं। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शर्त लगाई गई है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद योग्य नहीं होंगे। ऑप्शन आपके पास अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 37 या अनुच्छेद 39। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि अनुच्छेद 37 के अनुसार यह शर्त लगाई गई है कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद योग्य नहीं होंगे। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भारत के संविधान के अंतर्गत जो नीति निदेशक सिद्धांत आते हैं उनका उद्देश्य क्या है, यानी क्यों बनाए गए हैं नीति निदेशक सिद्धांत। ऑप्शन आपके पास लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, कार्यपालिका के मनमाहे कार्य की जांच करना, ये राज्य द्वारा विकास के नए अवसर उपलब्ध कराना। ये क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि भारत के संविधान के अंतर्गत जो नीति निदेशक सिद्धांत बनाए गए हैं उनका मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक क्या हैं। गाइज ये क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट आ रहे हैं। ऑप्शन आपके पास कपिल, गौतम, चार्वाक या जैमिनी। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं आपके कपिल, गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है सामूहिक उपभोग का क्या अर्थ है, घरेलू खपत, वैयक्तिक खपत, स्व खपत या देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सामूहिक उपभोग का अर्थ होता है घरेलू खपत। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस वस्तु की मांग लोचदार है, विद्युत की, औषधि की, चावल की या दिया सलाई की डिबिया, यानी दिया सलाई की डिबिया मतलब माचिस की बात की जा रही है यहाँ। तो बताइए किस वस्तु की मांग लोचदार है, करेक्ट ऑप्शन बताइए कमेंट करके। तो यहाँ जो सी ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा कि जो चावल है उसकी मांग जो है वो लोचदार है। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नगदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण है, राजकोषीय नीति के, मौद्रिक नीति के, बजटीय नीति के या व्यापार नीति के। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि नगदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार मौद्रिक नीति के उपकरण है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण, यानी इनमें से कौन सा वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है, ये क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन आपके पास करेंसी नोट, सिक्के, चेक या बॉन्ड। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चेक क्या है, वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध है किससे, विदेशी कंपनियों को बुलाने से, लोक उद्यमों में निजी निवेश से, संयुक्त उद्यमों की स्थापना से या स्वैच्छिक सेनानिवृत्ति से। तो सही ऑप्शन क्या है कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो यहाँ जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि जो गोल्डन हैंडशेक स्कीम है उसका संबंध है स्वैच्छिक सेनानिवृत्ति से। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक दर, यानी किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी, ये क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन आपके पास आठवीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर जो थी वो लक्षित विकास दर से क्या थी, कम थी। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से क्या मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक विधि नहीं है, बैंक दर,
नगद प्रारक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात या बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के भी हाँ पे सही हो जाएगा कि ये चारों में से बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी ये मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक विधि नहीं है, बाकी की तीनों इनकी विधियां हैं। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन के बिहाफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछ रहा है तरलता अधिमान का क्या होता है, यानी तरलता अधिमान का क्या मतलब है, क्या होता क्या है ये। ऑप्शन आपके पास परिसंपत्तियों को नकदी में रखने की इच्छा, बंध पत्रों और प्रतिभूतियों को रखने की इच्छा, बैंक जमा रखने की इच्छा या संपत्ति रखने की इच्छा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि तरलता अधिमान का मतलब होता है बैंक जमा रखने की इच्छा। तो यहाँ सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? एसर ने, आईबीएम ने, सीडैक ने या इंटेल ने, यानी यहाँ कंप्यूटर कंपनी के नाम दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था। तो यहाँ जो आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सीडैक ने इस कंप्यूटर का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डीटीपी को विस्तार करें, यानी डीटीपी का फुल फॉर्म बताएं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, दिल्ली टॉप पब्लिशिंग, डिस्क टॉप पब्लिशिंग या डेवलपमेंट टॉप पब्लिशिंग। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि डीटीपी का जो विस्तार है यानी फुल फॉर्म है वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है, ये क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इस वजह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? अपनी नीति को चुनना, शक्ति पुंजों से तटस्थता, विश्व में शांति एवं एकता लाना या तृतीय विश्व की शक्ति होना। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि गुट निरपेक्षता से हमारा तात्पर्य है शक्ति पुंजों से तटस्थता। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? वर्ष 1945 में, वर्ष 1947 में, वर्ष 1950 में या वर्ष 1954 में। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो भारत है वो सन 1945 में राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? 1 सितंबर को, 14 सितंबर को, 21 सितंबर को या 30 सितंबर को। यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है वो 21 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया है उसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है? विश्व व्यापार के लिए सद्भावनापूर्ण बाजार बनाना, विश्व व्यापार को बढ़ाना, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति, व्यापार के लिए केंद्र स्थापित करना। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन बनाया गया है उसका मुख्य उद्देश्य है कि विश्व व्यापार यानी वर्ल्ड ट्रेड जो है उसकी मात्रा में वृद्धि की जाए और जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं यानी जो तरह तरह के टैक्स लगते हैं उनकी समाप्ति की जाए, उनमें कमी लाई जाए। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो किसको दिया जाता है? टीचर को दिया जाता है अपने स्टूडेंट को अच्छे से ट्रेन करने के लिए। अगर कोई ट्रेनर है वो अपने टीम को अच्छे से ट्रेन करता है, उसकी ट्रेन विक्ट्री हासिल करती है तो ट्रेनर को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल देना, नोबेल पुरस्कार जो अर्थशास्त्र का नोबेल स्टार्ट हुआ वो किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, स्वीडिश सेंट्रल बैंक, नोबेल कमेटी या विश्व बैंक। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ये जो पुरस्कार है अर्थशास्त्र का नोबेल वो स्वीडिश सेंट्रल बैंक द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इसे भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट या भारतीय विद्या भवन? तो राइट ऑप्शन बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, यानी मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य से था? भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी या ओडिसी? तो यहाँ सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ जो आपका डी ऑप्शन वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि संयुक्ता पाणिग्रही का जो संबंध था वो ओडिसी नृत्य से था। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विश्व के 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? चांदनी, बूला चौधरी, मृदुला राजीव या प्रिया संभाग? तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि विश्व के 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बूला चौधरी। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? वॉलीबॉल से, बास्केटबॉल से, बैडमिंटन से या क्रिकेट से? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बास्केटबॉल, यानी फ्री थ्रो का संबंध है हमारा बास्केटबॉल से। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, इसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें पूछ रहा है स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? जिम कार्वन, वाल्मीकि थापर, सैयद माउंट गोमरी या अतुल सेठी? तो यहाँ सी ऑप्शन सही है कि स्पेल ऑन द टाइगर जो पुस्तक लिखी गई है वो सैयद माउंट गोमरी द्वारा लिखी गई है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? रंग वर्णांधता क्या होता है कि जिसे ये रोग हो जाता है वो रंगों में कंफ्यूज हो जाता है, सभी टाइप के रंगों में नहीं, कुछ रंगों में, डिफिनेट रंगों में कंफ्यूज रहता है। तो वही पूछ रहा है कि रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? संक्रामक रोग है, उपार्जित रोग है, अनुवांशिक रोग है या जन्मजात रोग है? तो ये एक अनुवांशिक रोग है, पेरेंट्स से बच्चों को होती है, बच्चों से फिर नेक्स्ट जनरेशन को हो जाती है, तो ये आपका पीढ़ी वाइज चलता रहता है। तो रंग वर्णांधता क्या है? एक अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेरी बेरी रोग भोजन में किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12 या विटामिन B2? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन B1। अगर भोजन में विटामिन B1 की कमी है तो बच्चे को बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो यहाँ एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन आपके पास नियासिन, पायरिडॉक्सिन, साइनोकोबालामिन या राइबोफ्लेविन। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। फिर उसके बाद पूछा गया है कि गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इसे भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन आपके पास न्यूटन, आइंस्टीन, फेरन, कॉपरनिकस। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के चोट लगने के काफी समय बाद तक भी रक्त लगातार बहता रहता है? ऑप्शन आपके पास डाउन सिंड्रोम, टर्नर्स सिंड्रोम, हीमोफीलिया या फिनाइल कीटोनेरिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अगर किसी को हीमोफीलिया है और उसे चोट लग जाती है तो उसका खून, जो ब्लड होता है, वो काफी देर तक बहता रहता है, जल्दी रुकता नहीं है। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? साइट्रिक एसिड, बेंजोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड? तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि दवा और खाद्य पदार्थ यानी फूड आइटम्स जो होते हैं उनके संरक्षण के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, वो काफी टाइम तक चल सके, इसके लिए हम क्या करते हैं? बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि लैंगिक जनन की विधि की खोज किसने की थी? जिंडर एम लेडरबर्ग ने, लेडरबर्ग और टेटम ने, वाटसन एम क्रीक ने या ल्यूनहॉर्ट ने? तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा कि लैंगिक जनन की विधि का जो प्रयोग खोज की थी वो जिंडर एम लेडरबर्ग ने की थी। तो इस वीडियो में हमने टोटल जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, और कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं।
तो इस वजह से आप जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है वो जरूर से जरूर देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।